तो गाइज ठंड कैसा है आप लोगों की तरफ? मतलब अभी तो 25 दिसंबर से लेके मतलब ठंड बहुत खतरनाक पड़ रहा है, ऊपर से नीचे रोड पे पानी, मतलब ये दोनों चीज देख के सबसे ज्यादा डर लगता है ठंडा में। तो निकलते हैं अभी यहाँ से। तो बोले तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइज। तो आज है न्यू ईयर और कल रात 31 दिसंबर को हम लोग मतलब सेलिब्रेट करके और पटना छोड़ रहे हैं। अभी निकल रहे हैं अपने गाँव के तरफ। तो चलिए ले चलते हैं गांव की तरफ, और क्योंकि न्यू ईयर नया साल जो मनाने में मजा आता है वो एक्चुअली में हम लोग गांव के रहने वाले हैं तो गांव में ही ज्यादा मजा आता है। कोहरा देखिए कितना गिरा हुआ है, मतलब अभी तो कुछ कम है क्योंकि अभी हम पटना से जस्ट बगल में है। जैसे जैसे यहाँ से आगे बढ़ेंगे और ज्यादा मतलब कुछ दिखने वाला नहीं है। सोचिए ये कैमरा में ऐसा दिख रहा है, तो अगर हम जो लिए हुए हैं ग्लव्स वो और हेलमेट वो तो बिल्कुल अलग है। हेलमेट का शीशा डाउन होता है तो भाई उसमें तो कुछ दिखता ही नहीं है, अगर धूप ना रहे तो कुछ नहीं दिखने वाला। सब्सक्राइब कर देना रुपए। तो गाइज अभी हम पटना से गोपालगंज जा रहे थे तो भाई लोग मिले हैं यहाँ पे दरियापुर के जस्ट आगे में। देखिए पूरा एकदम मजा है ना, न्यू ईयर मजा है। हम भी न्यू ईयर ही मना के आ रहे हैं पटना से। आप लोग वीडियो देखिएगा 31 दिसंबर रात वाला। यहाँ भी भाई है, सबसे पहले यही आया, पीछे से भाई आया तो ध्यान गया लुकिंग ग्लास में, तो हम धीरे किए गाड़ी। बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलके, और फिर मिलते जाते रहेंगे, ये तो हमेशा अपना रास्ता है। कभी भी मिलेंगे देखेंगे तो एकदम रुकेंगे। आप लोग बस इशारा कीजिएगा ताकि हमको पता चल जाए। तो गाइस यहाँ पे हम रुके हुए थे, अब यहाँ से आगे निकलेंगे, लेकिन हमको पहले ग्लव्स पहनना पड़ेगा और हेलमेट वापस से पूरा सेट करके पहनना पड़ता है। तो ये जो भी भाई आए हुए थे ये लोग निकल चुके हैं, तब हम भी यहाँ से निकलते हैं गाइस। अब यहाँ से और ज्यादा ठंड पड़ रहा है, मतलब मजा आ रहा है लेकिन बाइक चलाने में, क्योंकि पूरा सेफ्टी के साथ हम पहन के निकले हुए हैं पटना से एकदम। बाय 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 बाय, फिर मिलेंगे गाइस, फिर मिलेंगे, क्योंकि अपना रूट यही है। भाई ये स्कॉर्पियो इन वाले भी परेशान हो गए थे, क्योंकि ये लोग जो गाइस मिले हुए थे वो रोड पे ही एकदम बाइक लगा हुआ था, तो इनको साइड जल्दी मिल नहीं रहा था निकलने के लिए, तो थोड़ा सा सीन हो गया इनके साथ। तो ये भी सोच रहे थे भाई क्या कर रहे ये लोग रोड पे, और कुहासा है सो दिख नहीं रहा अच्छे से। तो अभी हम जहाँ पहुँचने वाले हैं ये एक मार्केट है, परसा मार्केट, जो कि पटना से अप्रॉक्स 50 किलोमीटर है। तो अभी तक हम 50 किलोमीटर ही दूरी तय किए हैं और टाइम हो रहा है अभी 12 बजने वाला है, मतलब इतना, मतलब हम यहाँ से पटना से निकले हुए हैं 11 बजे के आसपास और 12 बजने वाला है। एक घंटे में 50 किलोमीटर आ गए हैं, वो भी इतना ठंड में। तो गाइज आपको बता दूं कि अगर आप लोग पटना के आसपास हैं, कहीं के भी रहने वाले हैं जो मतलब नजदीक है पटना से, तो भाई अगली बार से 31 दिसंबर को आप पटना जरूर आना, और मैरीन ड्राइव पे आना, कोई क्लब मत जाना, क्योंकि हमारे जो दोस्त थे वो लोग क्लब गए हुए थे और हम लोग ने बोला कि नहीं हम लोग मैरीन ड्राइव जाएंगे रात को, तो लेकिन जो क्लब गए थे वो भी टेंशन में थे कि हम गलती कर दिए क्लब आके, क्योंकि जो मजा मैरीन ड्राइव पे आया रात में वो मजा शायद क्लब में उसका 10% भी नहीं आया। तो यहाँ हम थोड़ा रुके हुए थे क्योंकि 80 किलोमीटर आ चुके हैं यहाँ से, मेरा घर और 35 या 40 किलोमीटर है, और इसके बाद जस्ट जो मार्केट आएगा वहीं पे भाई वेट कर रहा है। तो अभी कॉल पे बात हुआ तो इसी मार्केट का तो नाम बताया, लेकिन अभी पता नहीं है कि कहाँ रुका हुआ है, तो थोड़ा सा देखते चलते हैं किधर है।
ये भाई लोग, रुक जाऊं क्या? देख लो अच्छे से भाई, इतना तो कोई लड़की को भी ना देखे। तो सामने, हाँ हाँ मिल गया मिल गया, यही सामने खड़ा है। अरे मालिक, क्या हाल है? हमारा जान चले क्यों क्या साथी आई थी ना, हम लोग का भरोसे बैठेगा पड़ी था हमारा कि फिर लोग का वापस आई ना आए, हम लोग मेरे साथ कोई नहीं। तब दोनों भाई साथ हो गए, और वो अपनी बाइक से, हम अपनी बाइक से। बात हुई थी एक ही बाइक से चलने के लिए, लेकिन वो अपना बाइक लेके आया ताकि फिर जल्दी निकल जाएगा। और यहाँ के बाद अब सीधे मिलते हैं आपसे घर पे, ठीक है गाइस, मिलते हैं घर पे। तो गाइस, न्यू ईयर का प्लान आप लोगों का कैसा रहा? तो अभी हम लोग छत पे आए हुए हैं, और पूरा आज न्यू ईयर होता ही है खाने पीने के लिए, पीने के लिए नहीं खाने के लिए, क्योंकि हम लोग पीते उते नहीं है। तो अभी आए हुए हैं छत पे, और मामा का भी लड़का हुआ है, आया हुआ है। मैं बताया ही थे आपको ब्लॉग में कि वेट कर रहा है राजापट्टी में, वो खड़ा था। तभी थोड़ा सा उसका भी लेते हैं जानकारी, क्या जन कैसा फील हो रहा है उसको अभी आके। यहाँ घर पे है हम लोग, तभी यहाँ पे भैया है, देखिए पूरा हवा चल रहा है एकदम बवाल वाला। और यहाँ छोटू है, प्रशांत है, एक्चुअली में ये हमारे घर का वकील तैयार हो रहा है एकदम सुपर डुपर वाला, ताकि कोई कांड हो जाए इसे, इसके हाथ में हम लोग का जिंदगी रहे। तो भाई कैसा फील कर रहे हो आज आके? घर रह के बोर हो गए थे एक्चुअली में। ये हमको बोला 2 दिन पहले कि हम आए हुए हैं पुणे से, कि आप भी आइए, तो हम भी बोले चलो आज नया साल है तो घरे पे चलते हैं और मजा करते हैं। तो यहाँ का मटन कैसा लगा भाई? वही मटन खाने हम पुणे से आए हैं आपके हाथ का। चलिए तो देखिए, यही है भाई अपना एकदम, मतलब मटन खाने के लिए वहाँ से डेट रख के आया था कि चलना है वहाँ भाई के पास मटन खाने के लिए। तो गाइस अभी पूरा रात हो चुका है, तो ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे, और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा।